those things. So we need to check all these particular laws. Now see these particular different sketches that how compression and tension is actually implementing. ये देखिए ये क्या है, पर्टिकुलर एक कोडिंग है और ये इसके अंदर एक ब्रेसिंग है, मींस विद इन वन पर्टिकुलर एंटेब्लेचर हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग इट्स वर्टिकलिटी और इट्स हॉरिजॉन्टलिटी विद दीज क्रॉसिंग्स, विद दीज क्रॉस ब्रेसिंग्स. एक ये आपका, अब देखिए ये पहले के था, अब इन्वर्टेड भी है, मींस अब ये आपका रिप्रेजेंटेशन है. मैं इसको ए भी बोल सकता हूँ अगेन, क्योंकि मैंने ए फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो ए फ्रेम भी बोल सकता हूँ, नोबडी कैन स्टॉप मी. ये V, V inverted V, और ये आपका diagonal, ये आपका cross based, ये आपका eccentrically braced, ये क्या है? अब आपकी width अगर उन modules की कुछ different है जिसमें आप central line पे नहीं डालना चाहते, so because आपका कुछ elevation का कुछ ऐसा setup होगा, आपको कुछ अपने interior envelope के साथ maximum viewpoint देना है, you don't want obstructions. देखिए जब आप ट्रेन से कभी कभी जाते हैं तो आपको गंगा रिवर पे ब्रिज दिखता होगा, तो क्रॉस क्रॉस आता है फिर क्रॉस चला जाता है, तो वो चीज क्या है, बहुत बार मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उस क्रॉस को या तो ऊपर लेके जाऊंगा या थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा बाएं. सो दिस इज व्हाट डन इन दिस पर्टिकुलर, दीज टू एसेंट्रिकली ब्रेस्ड इन्वर्टेड यू और एसेंट्रिकली ब्रेस्ड डायगोनल. अब इसका मतलब क्या है, कॉर्नर से कॉर्नर जोड़ना ही डायगोनल नहीं होता, आप बहुत बार फसाड के बीचों बीच से भी डायगोनल जोड़ सकते हो. आपको V शेप सेंटर पे मिलाना नहीं है, आप उससे पहले भी रोक सकते हो और इधर भी सेंट्रली स्पेसिंग उससे पहले भी रोक सकते हो. सो दीज ऑल आर ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन विल हेल्प यू टू टू डील अप विद द आइडियल स्ट्रक्चरल ब्रेसिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ परफेक्ट कंप्रेशन टेंशन, कीपिंग इन माइंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल लेटरल असेस ऑफ द लोड, लॉन्गिट्यूडनल असेस ऑफ द लोड, ईच एंड एवरीथिंग. Now you can see these wonderful examples of Chicago building, Chicago city buildings. ये John Hancock की building है. So you can see how this particular cross bracings are done in a particular architectural aesthetic manner, that how these particular six grids are repetitively going. And इस building की खास बात क्या है, ये ऊपर जब आप 99th story पे जाओगे तो ये वाली जो story है ये because of these bracings ये टिल्ट भी हो जाती है. एंड व्हेन यू स्टैंड इन दिस पर्टिकुलर 99th फ्लोर यू मे फील द पर्टिकुलर फीलिंग दैट दिस पर्टिकुलर टावर इज फॉलिंग, बिकॉज दिस पर्टिकुलर फ्लोर प्लेट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल इज राइट नॉट टिल्टेड, राइट नॉट फ्लेक्सिबल विद सम सॉर्ट ऑफ हाइड्रोलिक टेंशन मेंबर, एंड वो फ्लेक्सिबल होगा और आप उससे देख सकते हो. तो मेनी पीपल यूज टू गो हियर टू सी द सनराइज और टू सी द पर्टिकुलर against gravity feeling that you are actually not falling, but you have to feel that you are, this star is falling, just tapered. So this is one mode of adventure of as a mode of tourism under this city. John Hancock building, koi nahi bhul sakta is building ko, 2004 se fan hu main iska, aur ek bar aap isko padhenge to aap bhi fan ho jayenge iske, aur padhte John Hancock ki building ko. See this particular big X crossings. आप देखिए six grid से इसके बीच में center इधर आ रहा है, and कैसे ये exoskeleton को perfectly framing करी है. This is the best example of structural framing for a high rise skyscraper. That how you are dealing a bit. जब आप इसको complete see, you will find this, and within that you will find these all small modules. So these are some propping framework systems. Horizontal bhi hote hain, vertical bhi hote hain. See this particular sketch, how you are actually getting one diagonal and how you are getting this diagonal and how you are getting facade diagonal. Rigid frame, ab aapko kafi bata diya hai, kuch aisi zarurat nahi hai. Rigid frame mein ab ye flexibility agar aapko deni hai to aapko yahan par riveting bolting beech mein karni hogi. Glass bhi fix hoga to kaise glass saaf hoga, to uske liye bhi upar se ek member hota hai. Aap क्लास क्लीनिंग के कुछ वीडियोस देख सकते हो डिस्कवरी या ज्योग्राफिक चैनल्स में. वॉल फ्रेम में आप इस तरह की कंस्ट्रक्शन आप इंडिया में देखते हो, तो ये डुअल सिस्टम है दैट लोड बेयरिंग तो नहीं है बट फ्रेमिंग है, बट फ्रेमिंग के साथ फासे ट्रीटमेंट भी है. सो मीन्स यू आर एक्चुअली यू मे यूज सम शेयर वॉल्स. देखिए अब ये कॉलम तो नहीं लग रहा है,
ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर बिग स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज यहाँ पर आप किस तरीके से मेंबर दे रहे हो, सो दीज ऑल डार्क लाइन, हाउ यू आर यूजिंग दीज पर्टिकुलर ब्रेसिंग्स। अब ये 40-60 स्टोरी के लिए है, इसमें कैसे आप शियर फ्रेम या रिजिड फ्रेम इंटीग्रेट करते हो विद इन दोज फ्रेमिंग्स। अब इसके अंदर क्या है, ये देखिए एलिवेटर एंड सर्विस कोर, ये बीच में आपने कोर फिक्स कर दी, ये आपके साइड में फ्रेम जा रहे हैं और ये बीच में आपकी शियर वॉल जा रही है। फ्रेम देखिए स्लीक है, शियर वॉल कैसी है, थिक है, और बीच में ये आपका कोर भी है। तो मींस अब वॉल फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो अब आपको उसी के अंदर आपको फ्रेमिंग करनी है, उसी के अंदर आपको शियर वॉलिंग करनी है। सो हाउ योर दिस पर्टिकुलर ट्यूब इज गोइंग ऑन विथ इंटीग्रेटेड सर्विसेज, कीपिंग इन माइंड देयर वर्टिकल स्टेबिलिटी। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है फॉर बेस्ट एग्जाम्पल फॉर वॉल फ्रेम स्ट्रक्चर, ट्रांसको टावर, ये भी जॉनसन आर्किटेक्ट्स का है। शेयर वॉल अभी मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा क्या चीज़ थी, वैसे सबको पता होगा शेयर वॉल क्या है। स्केचेस के थ्रू देखिए किस तरीके से ये शेयर वॉल बनाई है, ये एक शेयर वॉल, दूसरी शेयर वॉल, ये इस तरह से शेयर वॉल बना के आपने कोर के अंदर सारी सर्विसेज डाल दी, एंड ओवरऑल फिर ये आपने एंड्स में भी इसको प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये सब शेयर वॉल है, ये देखिए जितना भी येलो या डार्क ऑरेंज या लाइट येलो जो भी आपको दिख रहा है, ऑल दीज आर शेयर वॉल्स, और बाकी पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कंप्लीट इरेक्ट होना बिकॉज ऑफ शेयर वॉल। तो ये किसी भी तरह का लॉन्गिट्यूडनल लोड या लैटिट्यूडनल लोड उसको ये डाइवर्ट कर देगा। यू कैन सी दिस कंप्लीट These shear स्ट्रक्चर। walls are also helpful to resist the earthquake. हाँ, सीस्मिक These shear सीस्मिक walls are डिजाइन, सीस्मिक डिजाइन कंसीडरेशन जब भी आप पढ़ोगे, अर्थक्वेक रेसिस्टेंस स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो स्टार्टिंग ही आपकी शेयर वॉल से होगी। प्लान में आप देखिए शेयर वॉल कितनी बनी, 1, 2, 3, 4, तो ये अलग अलग अपने डिजाइन है। all तो four इसका sides. इस हाँ, सो कवर अप कर लिया ना, हर एक्स 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 एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, ओवरऑल जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस देखेंगे तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में हर जगह कहीं ना कहीं शेयर वॉल आएगी। नाउ सी दिस पर्टिकुलर अनदर स्केच ऑफ दिस ट्रायगोनल बिल्डिंग। तो ट्रायगोनल बिल्डिंग में या किस तरीके से आप शेयर वॉल के थ्रू मींस आप मतलब लेआउट बनाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में बोल दिया किसी फैकल्टी ने कि ट्रायंगल में डिजाइनिंग नहीं हो सकती। मैं मेरे लिए डिजाइन में ट्रायंगल इज बेस्ट, मैं कभी भी स्क्वायर रेक्टेंगल को इज्जत नहीं देता हूँ, सबसे ज्यादा दिल से इज्जत देता हूँ ट्रायंगल को और ट्रायंगुलेशन को फॉलो करता हूँ, और ट्रायंगल गिव्स मी बेस्ट आर्किटेक्चरल स्पेसेस। क्यों बोल रहे हो सर, मैं? हाँ, ट्रायंगल को परफेक्ट फ्रेम भी तो बोलते हैं। ट्रायंगल परफेक्ट फ्रेम भी बोलते हैं, इज अ बिल्कुल परफेक्ट। यस, ट्रायंगल इज परफेक्ट फ्रेम। एंड आप मतलब एक मैंने ट्रायंगल के साथ दूसरा ट्रायंगल जोड़ के आप जियोडेसिक डोम भी बना सकते हो, आप एक ट्रायंगल के अंदर ऑल साइड से कोर करके आप सेंट्रल में सर्विसेज भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप ट्रायंगल के तीनों एंड्स को कैंटिलीवर्ड और हैंग्ड और सस्पेंडेड भी कर सकते हो, मींस यू हैव कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी विद कंप्लीट ट्रायंगल। सो जब भी मैं किसी स्टूडेंट को अगर कॉन्सेप्ट स्टेज पे पढ़ा रहा हूँ और अगर वो ट्रायंगल गलती से लेके आ जाता है तो मैं रिजिड हो जाता हूँ, नाउ यू विल नॉट शिफ्ट फ्रॉम ट्रायंगल टू अदर फॉर्म। तो बहुत बार रिजिडिटी भी दिखानी पड़ती है ताकि कोई डिजाइन ट्रायंगुलेशन क्राइटेरिया पे आ जाए। अब चीज है कोर एंड आउटरिगर स्ट्रक्चर सिस्टम। अब क्या है, कोर है आपके पास, अब ये क्या है, स्किन स्ट्रक्चर की बातें हो रही हैं कि आपके पास कोर है, अब आप कोर के बाद पेरिमेट्रिक एज पे क्या करोगे, मींस हाउ यू आर गोइंग टू डील अप विद ऑल दो स्ट्रक्चर्स वेयर सेंट्रल कोर एज वेल एज फसाड, हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट विद दैट। अब इसमें देखिए आपको इस तरह की बिल्डिंग्स में देखेंगे जिसमें कोर है और ये इस तरह से हैंग्ड है, तो मींस कोर मिल गया आपको, सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट कोर के थ्रू होगा, अब ये सिर्फ सिंपली हैंग रहेगा, सिंपली अटैच रहेगा, एंड यू कैन हैव लाइट वेट मटेरियल एज अ, जस्ट आपको सिर्फ विंड लोड को सब्ट्रैक्ट करना है, मींस विंड लोड को बियर करना है, अदरवाइज आप इस सेक्शन में देख रहे हो जो थिक लाइन है, सो दिस थिक लाइन इज व्हाट, एक्सियल लोड पड़ रहा है सारा इस सेक्शन में, जो प्राइस स्टार है FLW का, तो आप इसमें देखोगे कि जो सेंट्रल रिज है
ये एक्चुअली हमारी ह्यूमन बॉडी की तरह बैकबोन की तरह काम कर रहा है। हमारी बैकबोन कहाँ है? हमारा जस्ट ह्यूमन बॉडी का सेंट्रल एक्सिस। जब आप बिल्कुल परफेक्ट डिवाइड कर देंगे ह्यूमन बॉडी को तो बिल्कुल सेंट्रल कोर में आपकी बैकबोन होगी। तो सेम वे यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई भी चाहे ट्रेपेजियम स्ट्रक्चर हो, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर हो, ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर हो, बट उसके जो डायगोनल ब्रेसिंग्स हैं, अगर वहां पर अगर डायगोनल में अगर आपने लोड बेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, सो दैट विल कम अप अंडर मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। रेस्ट अदर थिंग will be just as a cantilevered or just as a simply hanged or just maybe fixed from two edges and free at the remaining portion. So uske liye ye price tower ki building, this is the best example. Kaise ye service core, see this heavy element just within the central core of this particular building. Rest all thing is just the wrapping of. Suppose aap wrap kar rahe ho khali gift ko aur gift andar hai. अब आउटरिगर क्या है? अब फसाड में आपको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट देना है, सो दैट वहां पर लोड ज्यादा है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है एचएसबीसी टार। एचएसबीसी टार आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ डिजाइन में, नॉर्मन फॉस्टर की बिल्डिंग है जिसको एचएसबीसी का फुल फॉर्म है, हांगकांग एंड शांघाई बैंक कॉर्पोरेट टावर करके कुछ बोलते हैं हम लोग। तो दिस इज व्हाट ब्रेस स्टील फ्रेम कनेक्टेड टू द एक्सटीरियर कॉलम्स। अब जो कॉलम्स बाहर के हैं उसके साथ स्टील फ्रेमिंग की ब्रेसिंग कनेक्ट कर दी है। सी दीज ऑल बेल्ट ट्रेसेस सो दैट हॉरिजॉन्टली सब कर सके, और शेयर वॉल विद आउटरिगर। आउटरिगर मींस इसको शेयर वॉल थी बट इसको बाहर की तरफ कैंटिलीवर प्रोजेक्ट करा, सो दैट आप ग्रिपिंग देखिए। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, आप अगर मेरी स्क्रीन मुझे देख रहे हैं तो ये बॉटल दिख रही है, ये बॉटल अकेला क्या सपोर्ट करे, बट इसके साथ अगर मैं हर पॉइंट पे नेक पे एक एज निकाल दू, इधर एक एज निकाल दू, इधर एक एज निकाल दू, और ये शेयर वॉल का हिस्सा हो, तो आप बाहर कुछ भी रैप करोगे वो आपकी सेंट्रली कोर के साथ ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो जाएगा। इसका मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, कैसा आपने बहुत बार बचपन में कभी कभार करा हो या मूवीज में देखा हो, एक पत्थर है उसके साथ धागा टाई कर दिया और सेंट्रल में रख दिया और घुमा दिया, कुछ देर तक वो घूमता रहता है। सो दिस इज व्हाट, बाहर की चीज हैवी है बट सिर्फ एक धागे से कनेक्टेड है और आपके फिंगर के पॉइंट पर है। So how that is because of that centripetal force or that centrifugal force that is actually revolving or rotating around one particular axis. So same way, facade में आप कुछ भी टांगो, आप बस ये belt truss दे दो और जो shear wall है उसके साथ ये बाहर की तरफ outrig कर दो। Outrig means आपने उसको बाहर की तरफ stretch मार दिया, तो automatically उससे connect हो गया, तो load will distribute ultimately. So this is what the fundamental of outriggering brace structure. अब इसके साथ problems कैसे आएंगी? पूरा structure monolithically react करेगा. Means अब आपने bracings दे दी, आपने उसमें belt truss भी दे दिया, आपने उसमें outriggering भी कर दी. अब overall whenever there will be compression or tension or because of any seismic activity or because of some other, so this will react uniformly. देखिए load पड़ा complete building. Otherwise क्या होगा? जहां पड़ा वो स्पॉइल होगा। सो सी दिस पर्टिकुलर आउटरिगर स्ट्रक्चर सिस्टम सेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज इनफिल्ड फ्रेम स्ट्रक्चर सिस्टम। स्ट्रक्चरल फ्रेम सिस्टम तो पता ही है, अब एक नई चीज आई इसमें इनफिल। इनफिल जैसा आपको पता है कि आगे जब मैं मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो कैसे इनफिल स्ट्रक्चर या आउटफिल स्ट्रक्चर या एयर फ्लेटेड या इनफ्लेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो सेम वे आपको फ्रेमिंग स्ट्रक्चर में इनफिलिंग कैसे करनी है। मींस आपके पास ये पर्टिकुलर बीम है, ये पर्टिकुलर स्लैब है, ये पर्टिकुलर कॉलम है, अब आपको इसमें फिलिंग करनी है। सो जस्ट गो थ्रू विद दिस पर्टिकुलर, बिकॉज अब आप वो फिलिंग किससे करोगे? मैसनरी से कर सकते हो, आपके पास और डिफरेंट लाइट वेट मटेरियल, सपोज ऑटोक्लेव एरेटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, तो आप डबल एसी ब्लॉक्स के साथ भी फिलिंग कर सकते हो। सो मीन्स इनफिल वॉल्स कैन बी पार्ट हाइट और कम्प्लीटली फिल द फ्रेम। मीन्स आपके पास फ्रेम है, आपको फिल करना है, आपको ग्लास से फिल करना है, जितना चाहिए ग्लास कर लिया, बाकी चीज को फिल कर दिया। सो ये वॉल्स कनेक्टेड रहेंगी फ्रेम स्ट्रक्चर। सो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के टाइम ब्रेक देंगे, ओके ओके आपके ब्रेक दे देंगे, 12 बजे ज्वाइन कर लेंगे सर, आपकी ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना 4 मिनट बाद। हाँ 4 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 12 बजे कनेक्ट कर लेंगे। ओके ठीक।
ठीक है. सो आप ड्यूरिंग अर्थक्वेक क्या होगा, डायगोनल कंप्रेशन स्ट्रट फॉर्म्स इन द इनफिल्स सो दैट द स्ट्रक्चर विल बिहेव मोर लाइक फ्रेम रेदर देन अ मोमेंट फ्रेम. अब इसमें क्या है, दो तरीके की चीजें होती है. मोमेंट जब लगेगा तो मींस वो सारी चीज उससे डिफ्लेट होगी या उसमें चेंजेस आएगा. सो उसको फिर आप क्या करोगे, पर्टिकुलर ब्रेसिंग्स के अकॉर्डिंग फिर वो मोनोलिथिकली रिएक्ट करेगा और उसके अंदर स्ट्रक्चरल डिफ्लेक्शन नहीं होगा. सी इनफिलिंग हाउ दिस पर्टिकुलर वर्क्स, जब आप ये सेक्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से हवा आ रही है, विंड लग रही है इस बिल्डिंग को. और ये जो नोडल पॉइंट्स थे इसमें आप ये एरो नेटवर्क डायग्राम को देखिए किस तरह से कंप्रेशन हो रहा है और कैसे डायगोनल ब्रेसिंग ने इसको इसको विदस्टैंड रख रखा है. बट फ्रेम बियरिंग ऑफ इनफिल तो क्या होगा, शेयर डिफॉर्मेशन इस तरीके से हो सकता है. अगर आपने इनफिलिंग करी है और ये इस तरह का बीच में कुछ एलिमेंट है तो सारा फोर्स इस पर लग जाएगा, ये हिल जाएगा. सो इनफिल्ड फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ स्टील और रीइंफोर्स कॉलम एंड गर्डर फ्रेम विद इनफिल्स ऑफ ब्रिक वर्क और कॉन्क्रीट ब्लॉक वर्क. अब आपको वो फ्रेम को फिल करना है सो दैट वो बना रहे. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. ये देखिए ये बिल्डिंग आप बहुत कॉमन है, आप सब लोगों ने टीओडी में इस स्लाइड इस बिल्डिंग की फोटो जरूर देखी होगी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. इसमें अब ये जो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ये जो इस साइड का जो फसाड है यहाँ पर क्या है, लाइमस्टोन फिल कर रखा है. जैसे मैंने कैप्शन डाला है लाइमस्टोन इनफिल्स एंड फेसिंग्स, तो यहाँ पर क्या है विंड नेटवर्क था, तो इधर इस तरह के मटेरियल की पूरी वर्टिकुलर ब्रेसिंग्स कर रखी है, सॉलिड पैच वर्क कर रखा है, फिल कर रखा है विद लाइमस्टोन सो दैट wind so that this will automatically react like a temporary or artificial shear wall, imaginary shear wall, because isme jo bhi treatment facade mein kara hai isse aapne wind load ko divert kar diya, distribute kar diya, lateral load ka suspension, compression, tension kuch fark nahi padega. So this is the example.